के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में सिपाही जला कुछ लोग लीड प्रेजेंट आता है। मैंने सुना है आपने सुकुच भी दिया है, कितने लोगों को दिया है और क्यों दिया है सर? जी नमस्कार। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, ऑफिस टाइमिंग्स है, उसके अनुसार जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है, गवर्नमेंट आशा करता है कि सभी एम्प्लॉयज वो टाइमिंग फॉलो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग पब्लिक सर्विस में स्पेंड कर सकें। तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर सभी हमारे जो कर्मचारी हैं डीएम ऑफिस में, इसी प्रकार से हमने एसडीएम ऑफिस और वीडियो ऑफिस में भी हमने सबसे यही अपील किया है कि आप लोग टाइमली आइए और जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें आप अपना काम कीजिए और उसके बाद टाइम निकल जाइए। और हमारे यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लिया जाता है। तो हमने देखा कि शुरुआत में ये जो है लेट ऑफिस का काफ़ी लोग आ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम के अनुसार जो देखा तो जो लेट जो ज़्यादा लेट पाए गए थे उनके अगेंस्ट करीब करीब 29-30 लोग ऐसे लोग हैं जिनको हमने शोकॉस दिया है। और शोकॉस का इंटेंशन यही है कि लोग पंक्चुअलिटी को फॉलो करें और जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने हम लोगों को इंगेज किया है, जिसके लिए लोगों को सर्विस दिया है, उस काम में हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, लोगों को पब्लिक को वेट ना करना पड़े और पब्लिक सर्विस जो और एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो टाइम हो। सर अभी तक कोई जवाब दिया है शोकॉस का? शोकॉस के रिप्लाईज आ रहे हैं और हम लोग रिप्लाई के अनुसार उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बट इंटेंशन यही है कि अपील के माध्यम से और जो है रिक्वेस्ट के माध्यम से ज़्यादा लोगों को टाइम मोटिवेट करके और उनको काम करें। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसी प्रकार से पूरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में सफाई अभियान भी किया था, जिसमें हमारे सभी एम्प्लॉयज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पिछले फ्राइडे को ही। और घर जाने से पहले हम सभी लोगों ने यहाँ पर सफाई किया अपने अपने चेम्बर्स, पंखे, कंप्यूटर और टॉयलेट की भी सफाई करवाई है, बाहर का भी सफाई करवाई है ताकि जो पब्लिक बाहर से आता है उसको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर जो है सिंसियरली काम होता है।